हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुलगुला। इसको लोग मीठे भजिया भी बोल सकते हैं या फिर स्वीट पुआ भी बोलते हैं। उसके लिए हमें चाहिए करीब 200 से 250 ग्राम गुड़, थोड़ा सा सोडा, दो हरी इलायची और एक गिलास पानी। इसके लिए और थोड़ा सा आटा चाहिए, करीब 200 ग्राम के समथिंग। सबसे पहले हम जो हमारा गुड़ है उसमें एक गिलास पानी डाल के इसका सिरप बनाएंगे। फुल फ्लेम पे इसको बनाना है और इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें, क्योंकि बराबर क्वांटिटी में पानी और गुड़ हमने लिया है। इसको बस अच्छे से गुड़ जब तक मेल्ट हो जाए उसके एक दो मिनट बाद तक और पकाना है और बंद करके इसे हमें ठंडा करना है। इसमें हम हरी इलायची, पहले गुड़ की चाशनी छान लेंगे उसके बाद मिलाएंगे। मैंने यहाँ पहले मिला दी थी, आप इसको छानने के बाद मिलाइएगा क्योंकि गुड़ में बहुत सारा कचरा होता है। ये देखिए हमारा शुगर सिरप एकदम बढ़िया बनके तैयार हो गया है। अब इसको गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको हम छान लेंगे। इसे छानिए जरूर क्योंकि देखिए कितना कचरा होता है गुड़ में। उसके बाद अब आप इसमें हरी इलायची मिलाइएगा। इसमें एक चुटकी के करीब मीठा सोडा जो होता है हमारा बेकिंग सोडा वो हम मिलाएंगे। इससे अच्छे सॉफ्ट बनेंगे हमारे जो गुलगुले हैं वो। और अब इसमें आटा हम वैसे तो 200 ग्राम के समथिंग डलता होगा या अपने अंदाज से आप देख लीजिए। और इसे थोड़ा थोड़ा आटे को हम डालते हुए चलाएंगे और गेहूं का ही आटा लेना है। और इसमें गेहूं का आटा और गुड़ है जो बहुत ही पौष्टिक होता है दोनों ही सेहत के लिए। इसे हम धीरे धीरे आटे को डाल के, ये देखिए हमारे जो केक का बैटर हम बनाते हैं उससे हल्का सा गाढ़ा बैटर बनेगा ताकि ये डालने में ईजी रहे हमें थोड़ा तलने के टाइम। अब हम ऑयल लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, डीप फ्राई करना है हमें इन गुलगुलों को। इसको तेल को अच्छे से हम लोग एक बार स्पीड हमारी हो जाए अच्छे से, मतलब गर्म हो जाए, उसके बाद मीडियम आंच पे हम इनको एक एक करके धीरे धीरे पकौड़ों के शेप में ही डालेंगे, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। और इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। और इसे अच्छे से एकदम चॉकलेटी ब्राउन हो जाए तब हमें निकाल लेना है। अच्छे से पलट पलट के हमें इसे पहले तलना है और फिर ब्राउन होने पर इसे निकालना है। ये देखिए लाइट कम होने की वजह से मुझे टॉर्च से दिखाना पड़ रही है। ये हमारे गुलगुले जो हैं गोल्डन फ्राई हो रहे हैं। थोड़े से और इसे हमें डार्क करना है। ये देखिए थोड़ा चॉकलेटी रंग आ गया है हमारे गुलगुलों में। इसे अब हम निकाल लेंगे बर्तन में और इसे आप गरम गरम भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसे आप 2-3 दिन तक भी आराम से किसी एयर टाइट डिब्बे में रख के स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं, ठंडे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए रेडी है हमारे गुलगुले बिल्कुल। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें आटा और गुड़ है इसलिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।